पौड़ी में लंबे समय के बाद स्कूलों के खुलने से जहां छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं परिजनों में डर का माहौल भी बना हुआ है, जिसके चलते पौड़ी में स्कूल खुलने पर छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम देखने को मिली। इस संबंध में मैंने शनिवार को 31 तारीख एक पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए संबोधित पत्र दिया था, जिसमें यह बताया गया कि शासन और विभाग के द्वारा 2 तारीख से 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं संचालित होने जा रही हैं और वैक्सीनेशन में यहां पर लोगों की संख्या कम आ रही है। इसको देखते हुए इस वैक्सीनेशन केंद्र को जिला चिकित्सालय में स्थानांतरित कर दिया जाए और वो इन कक्षों को खाली कर दें। शासन से और स्वास्थ्य विभाग से ये प्रार्थना करते हैं कि ये यहाँ से अपना वैक्सीनेशन केंद्र तुरंत यहाँ से स्थानांतरित करें, जिससे कि यहाँ पर बच्चों की पठन पाठन सुरक्षा के साथ यहाँ पर हो सके। उसके लिए भी वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उन्होंने अभी तक इस संबंध में वार्ता नहीं किया। अभी हम लोग मुख्य शिक्षा अधिकारी सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे क्या पर्याय व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी उसकी चर्चा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई उसमें कर लिया जाएगा। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट।